उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना के मामले में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गई है, जहां घटना के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को झूठ बोलने और बार बार बोलने की आदत हो गई है। जहां उत्तर प्रदेश में युवती के साथ हुई गैंग रेप को लेकर देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में एक के बाद एक नाबालिग बच्चियों से ज्यादती की घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ती दुराचार की घटनाओं के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस द्वारा मौन प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन उनके राज में भांजियाँ कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। निश्चित तौर पर कल कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष नेता विपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कल शंकराचार्य जी से मिलने गए थे जबलपुर, आज भांडेर वो जा रहे हैं। और जो लगातार सभाएं, पहले हाट पिपलिया, फिर मंदसौर और यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आम सभा को भी संबोधित करते हैं वो, साथ ही साथ वो जो मंडलम सेक्टर का गठन हुआ है उनको भी संबोधित करते हैं। और जो रिस्पांस इस समय मिल रहा है कांग्रेस को, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो भांडेर हो या बाकी सभी और 28 सीटों पे कांग्रेस का इस समय माहौल है। और जिस तरह से हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, और एक हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँचे और परिवार से बात की, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लगातार गैंगरेप हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं, इसमें कल की घटना भोपाल के बैरागढ़ की है। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल में भी बेटी नहीं बची, और आज भी वही स्थिति है। और जो नरसिंहपुर की घटना थी, जिसमें हमारी विधायक सुनीता पटेल बार बार कही थी, धरने पे बैठी 15 दिन तक, विधानसभा के सामने बैठी, लेकिन सुनी नहीं गई। अल्टीमेटली जो उन्होंने कहा था कि ये यहाँ के जो एडिशनल SP और पूरा पुलिस स्टाफ है, ये पूरी तरह से वहाँ पर माफियाओं को सपोर्ट करता है और गुंडे बदमाशों पे कोई रोक नहीं है, और यही वजह है कि दलित महिला के साथ वहाँ पे गैंगरेप होता है। जब उसके जेठ और उसके पति वहाँ जाते हैं थाने में रिपोर्ट करने, तो उनको थाने में बैठा लिया जाता है, अल्टीमेटली उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और वो आत्महत्या कर लेती है। इस तरह के रोज केस हो रहे हैं भोपाल में। अगर आज देखें समाचार पत्रों को, तो आत्महत्याओं का पूरा पेज भरे हुए हैं, रेप से की खबरों से पेज भरे हुए हैं। ये हालत आज मध्य प्रदेश की कर दी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और ये मांग है हमारी कि वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नोट बांट रहे हैं, जो नारायण पटेल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो, ये इनके DNA में था कि कांग्रेस वो हैं, और कह रहे हैं कि गलती हो गई कांग्रेस को नहीं, पंजे को वोट देने का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह का माहौल है। और ये जो नोट बांटने की घटना है, ये तो आप देख नोट कर लेना, ये केवल नोट बांटेंगे, जैसे इन्होंने ये 25 लोगों को नोट बांटे, अब ये जनता में घुस के नोट बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग सजग हैं, जैसे ये उजागर हुआ है बिसाहूल सिंह जी का, बाकी का भी उजागर होगा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। देखिए, जो घृणित मानसिकता होती है, जो समाज के अंदर विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाना और वातावरण बनाना, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो शासन की जिम्मेदारी है, उसे शासन बखूबी करता है, चाहे नरसिंहपुर की घटना हो
जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर सख्त कार्रवाई तत्काल की, चाहे सतना की घटना हो, तत्काल और सख्त कार्रवाई की। घटना कहीं भी घटे, कोई भी लापरवाही करेगा वो कितना भी बड़ा हो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो घृणित और विकृत मानसिकता है इसको तो हम सबको मिलकर ठीक करना चाहिए। ये वही है ये कांग्रेस का जो है सारा का सारा फेक न्यूज फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं, अरे भाई चुनाव लड़ो ना सामने आके। बिसाऊ लाल जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका पूरा जीवन चुनाव लड़ते हुए गया है। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे हुए हैं, काफ़ी सालों तक मंत्री रहे वो, तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। उनका हमारा जिला है, वंदन है, अभिनंदन है। अब हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के निर्देश हैं, हमको भी माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, हम अपेक्षा करेंगे वो भी उसका सम्मान करें। सर आज कांग्रेस प्रदेश भर में मौन धरना दे रही है दुष्कर्म के बढ़ते हुए अपराधों को, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस का एक बात चरित्र मुझे समझ में नहीं आता, झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। अब एनसीआर की रिपोर्ट दुनिया जानती है 6 महीने पहले की होती है और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से उनके कार्यकाल की रिपोर्ट है, उसके बाद कांग्रेस धरना दे रही, अचंभा है। इल्ज़ाम किसी और के सर आए, सिर्फ इतना सोच जब कांग्रेस रखती है तो हंसी आती है। इतना नहीं समझते कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बहरहाल विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर शिवराज सरकार पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।